अच्छे होंगे भाई, मैं भी बहुत अच्छी हूँ और सब अच्छे ही होना चाहिए। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एक होम रेमेडी, जो कि आलू और बेसन और शहद को मिक्स करके बनाया है मैंने। और मैंने इसको दो बार से मैं इसको खुद ट्राई कर रही हूँ, जैसा कि आप लोगों ने खुद ही देखा होगा मेरी वीडियो में, डेली रूटीन वगैरह में आप लोगों ने खुद देखा होगा कि मुझको काफ़ी डार्क सर्कल हो गए हैं। तो अभी हाँ, मेरे को डार्क सर्कल बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो मैं इसको दो बार से ट्राई कर रही हूँ। फर्क मुझे काफ़ी हद तक नज़र आ रहा है, अच्छा रिजल्ट मुझे मिल रहा है। तो आप लोगों के साथ इसकी मैंने कहा आप लोगों को भी वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर किया जाइए, इसीलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और आप लोगों को मैं वीडियो में खुद अपने चेहरे पे खुद ही मैं लगा के दिखाऊँगी कि ये आप लोगों को कैसे इस तरीके से इसको लगाना है, तो ज़रूर देखिएगा वीडियो को पूरा वॉच करिएगा गाइस। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बगल में जो बेल आइकन आती है तो उसको भी प्रेस करिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, यहाँ ये पैक बनाने के लिए सिर्फ तीन चीज़ों की ज़रूरत है हमें। आलू एक लिया है मैंने, छोटे साइज़ का है, और बेसन है, बेसन हमको एक चम्मच लेना है, और शहद भी एक चम्मच है। तो इन आलूओं को मैंने धुल के अब मैं इसे कद्दूकस कर लूँगी, इसको अच्छे से घिस लेना है हमें। और घिसने के बाद फिर मैं इसे एक छलनी में पलट के अच्छे से इसे छान लूँगी। तो इसका हमें जूस निकालना है, जो इसका रस है वो लेना है हमें। तो जैसा कि सभी को पता है, आलूओं में स्टार्च होता है जो कि हमारे स्किन के लिए काफ़ी अच्छा है, हमारे स्किन को काफ़ी क्लीन करता है। जिन लोगों को झाइयों की प्रॉब्लम है उन लोगों के लिए तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, इससे झाइयाँ बहुत जल्दी सही हो जाती हैं। जैसा कि सभी को पता है कि अक्सर लेडीज़ लोगों को प्रेगनेंसी के समय झाइयाँ हो जाती हैं या ऐसे भी हो जाती हैं, आप इसको ऐसे भी ट्राई करिए। डार्क सर्कल हैं जिनको, वो ऐसे भी आलू को यूज़ कर सकते हैं, और आलू को आप काट कर स्लाइस में कट करके इसको अपने फेस पे रफ करिए, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आप लोगों को मिलता है। लेकिन यहाँ मैं ये पूरा पैक करके बना के दिखाऊंगी। तो ये जो पैक है हमारे फेस को क्लीन भी करेगा, और काफ़ी हद तक इस कलर को भी हमारे साफ़ करता है, और स्किन को ग्लो भी करेगा, झाइयों को भी ख़त्म करता है, डार्क सर्कल को भी ख़त्म करता है। तो ये जो पैक है कई चीज़ों के लिए बढ़िया है हमारे फेस के लिए। तो यहाँ मैंने ये आलू का जो रस था उसको निकाल लिया है, और एक चम्मच मैंने बेसन लिया है और एक चम्मच शहद। तो इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, इसका मुझे अच्छे से पैक बनाना है। तो ये पैक हो गया तैयार। तो मैं देखिए इसको मैं अपने फेस पे ही अप्लाई करके दिखाऊंगी आप लोगों को। तो मैंने फेस को अपने फेस वॉश से क्लीन कर लिया है, और देखिए कोई भी मेकअप नहीं है मेरे फेस पे, मैंने फेस वॉश किया है। और अब मैं फेस वॉश करने के बाद मैं ये मैंने कॉटन बॉल ली है, तो उसी से आप चाहे तो हाथों से भी लगा सकते हो या ब्रश की हेल्प से। मैंने यहाँ पे कॉटन की बॉल बना ली है, और उसी की हेल्प से मैं इसको अपने फेस पे लगा लूँगी अच्छे से। एक अच्छी सी लेयर पूरा फेस पे लगानी है हमें, और फेस को लगाने के बाद हमको इसको 5 मिनट रहने देना है ऐसे ही। और 5 मिनट बाद हमको अपने फेस पे, जैसे हम फेशियल करते हैं उसी तरीके से हमको अपने फेस पे मसाज करनी है सर्कल मोशन में, जहाँ हमारे जैसे डार्क सर्कल ज़्यादा हैं, जहाँ जहाँ हमको झाइयाँ उस जगह हमको ज़्यादा अच्छे से मसाज करनी है। तो आप मसाज करते हुए इसको कम से कम आपको 10 मिनट तक आप अपने फेस पर मसाज करिए, और उसके बाद अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लीजिए नॉर्मल पानी से, अच्छे से पानी, साफ़ पानी हो और नॉर्मल पानी हो उससे आप अपने फेस को धो लीजिए। तो आप खुद देखेंगे कि कितना बढ़िया, आपको एक ही बार में बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको समझ में आएगा कि ये सच में बहुत अच्छा पैक है। आप खुद इसे दोबारा ट्राई करेंगे अगर एक बार यूज़ कर लिया आपने तो मैं इसको दो बार यूज़ कर चुकी हूँ,
इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ कि बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। तो गाइज़ आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा एक बार, और भाई वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बगल में जो बेल आइकन आती है उसको भी प्रेस करिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, बाय बाय फ्रेंड्स।